नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज शाम तक की बड़ी खबरों की ओर। बिहार बजट पर अर्थशास्त्रियों ने रखी अपनी बात। बीते दिन बिहार का बजट विधानमंडल में पेश किया गया। इस संबंध में कई अर्थशास्त्रियों ने अपनी बात रखी है। पिछले साल के बजट की अपेक्षा इस वर्ष सरकार 7100 करोड़ रूपए कम बजट लेकर आई है। पिछले साल का पुनरीक्षित बजट 2,25,458 करोड़ रूपए था, जबकि इस साल का बजट 2,18,202 करोड़ रूपए है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार इस बजट में गरीबी मिटाने और कोरोना काल में भारी संख्या में आए प्रवासी लोगों की जीविका चलाने के लिए कुछ भी नहीं है। बजट में रोजगार देने के लिए कोई मूल चार्ट नहीं है। इसके साथ ही अर्थशास्त्रियों का कहना है कि बजट में क्षेत्रीय विषमता से निपटने की मंशा भी नहीं दिख रही है। इस बार के बजट की अवधारणा घाटे पर केंद्रित है। अर्थशास्त्री प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी के अनुसार कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य में कोई खास राहत देने जैसी कोई चीज नहीं दिख रही है, मगर बजट में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किए गए पहल स्वागत योग्य कदम है। पश्चिम बंगाल पुलिस विभाग ने निकाली रिक्तियां। पश्चिम बंगाल पुलिस विभाग ने वायरलेस ऑपरेटर, वायरलेस पर्यवेक्षक, तकनीकी ग्रेड 2 के कुल मिलाकर 1,325 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 12वीं स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तिथि 22 मार्च 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.wbpolice.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। काम में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ DIG मनु महराज का कड़ा एक्शन। सारण प्रमंडल के DIG के रूप में ज्वाइनिंग करने के साथ ही DIG मनु महराज एक्शन के मोड में आ गए हैं। बीते दिन अचानक से छपरा जिले के भगवान बाजार में पहुंचकर केस डायरी और अन्य मामलों की छानबीन करने पर कई गड़बड़ियां मिली। इसके अलावा ड्यूटी पर कार्यरत OD ऑफिसर और हाजत प्रहरी ड्यूटी से गायब पाए गए, जिस कारण दोनों कर्मियों को तत्काल प्रभाव से DIG ने सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा गश्ती दल को भी काम सही तरीके से करने के लिए चेतावनी दी गई। आपको बता दें कि इससे पहले मनु महाराज ने अपनी ज्वाइनिंग के दूसरे दिन ही छपरा शहर के ग्रामीण मुफस्सिल थाना पहुंचे, जहां कार्य में लापरवाही बरतने वाले थाना प्रभारी सहित 6 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया था। इस एक्शन से जिले की पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। राज्य के सभी पुलिस लाइन में बनाए जाएंगे हेलीपैड। अब बिहार के सभी जिलों की पुलिस लाइन में इमरजेंसी के लिए हेलीपैड बनाए जाएंगे, जहां 24 घंटे हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हो सके। किसी भी तरह की आपदा की घड़ी में तत्काल राहत पहुंचाने के उद्देश्य से ये हेलीपैड बनाए जाएंगे। इसके तहत हेलीपैड को नाइट लैंडिंग के मकसद से इस कदर बनाया जाएगा कि रात हो या दिन किसी भी समय में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। आपको बता दें कि इसके लिए सोमवार को पेश किए गए राज्य बजट में भी इसके लिए प्रावधान तैयार किया गया है। पुलिस लाइन में हेलीपैड के बनने से किसी भी वक्त हेलीकॉप्टर को लैंड तो कराया जा ही सकता है। इसके साथ ही इसके लिए अलग से सुरक्षा इंतजाम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती रहती है। मुख्यमंत्री ने NDA विधायकों को सदन में रोजाना मौजूद रहने का दिया निर्देश। बीते शाम में बजट सत्र के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास एक अन्य मार्ग में NDA की विधानमंडल दल की बैठक की। इस दौरान CM ने NDA के सभी विधायकों व विधान पार्षदों को पूरे बजट सत्र में रोजाना मुस्तैदी के साथ बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया। इसके साथ ही विपक्ष के हर सवाल पर तार्किक जवाब देने की रणनीति पर विस्तार से बातचीत भी हुई। CM ने साफ साफ कहा है कि सदन में विपक्ष के हर मुद्दे पर मुखर रहना है और शालीनता और तर्क के साथ हर सवाल का जवाब देना है। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही होने तक कोई भी नेता सदन से बाहर नहीं जाएंगे। वहीं इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी अपनी समस्या रखते हुए कहा कि कई सरकारी अफसर विधायकों से बढ़िया व्यवहार नहीं करते हैं। इसे लेकर CM ने भी इस बात को गंभीरता से लिया है और कहा कि बजट सत्र के खत्म होने के बाद विधायकों को बुलाकर अधिकारियों के साथ एक बैठक कराई जाएगी। BSEB कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा का शेड्यूल जारी। बिहार बोर्ड ने कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा 26 फरवरी से 3 मार्च तक चलाई जाएगी। मैट्रिक सेंटर परीक्षा की तरह ही 9वीं की वार्षिक परीक्षा भी ली जाएगी, जिसके तहत परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थियों को दोनों पालियों में 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। हर दिन 2 विषयों की परीक्षा ली जाएगी। बता दें कि 26 फरवरी से शुरू होने वाले 9वीं की सेंटर परीक्षा में पहली पाली में विज्ञान विषय और दूसरी पाली में गणित की परीक्षाएं ली जाएंगी। आपको बता दें कि इस दौरान 27 और 28 फरवरी को परीक्षा नहीं ली जाएंगी। वही 3 मार्च को परीक्षा के अंतिम दिन ऐच्छिक विषय ललित कला, होम साइंस, नृत्य और संगीत विषयों की परीक्षा ली जाएगी। किसानों के समर्थन में बिहार विधानसभा के बाहर विपक्षी पार्टी ने की नारेबाजी। राज्य का बजट सत्र सदन में पारित होने के दौरान विपक्षी पार्टियों का सरकार पर हमला भी लगातार जारी है। इसके तहत सत्र के तीसरे दिन की शुरुआत भी काफी हंगामेदार रही। इस दौरान वाम दलों के विधायकों ने बजट पर सरकार को घेरते हुए विरोध प्रदर्शन किया। वाम दलों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार ने बजट में रोजगार संबंधी कोई व्यवस्था नहीं की है और न ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई घोषणा की है। इस दौरान भाकपा माले के नेताओं ने सरकार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि इस बजट से बिहार और भी खोखला हो जाएगा, क्योंकि इस बजट में कोई दम ही नहीं है। वहीं RJD नेताओं ने अल्टीमेटम दिया कि सरकार को किसानों की मांगे माननी होगी, वरना किसानों के लिए
लिए देश में एक बार फिर से आजादी की लड़ाई लड़नी होगी। राज्य के किसी भी जगह से केवल 5 घंटे में पहुंचेंगे पटना। नीतीश सरकार ने 2021-22 के आम बजट में एक बड़ा लक्ष्य रखा है। इसके अनुसार प्रदेश के किसी भी कोने से लोग राजधानी पटना सिर्फ 5 घंटे में पहुंच सकेंगे। इसके तहत सरकार 2 सालों के अंदर पूरे राज्य में 120 बाईपास बनाएंगी। इस बाईपास के चौड़ाई 7 मीटर की होगी। इसके साथ ही कुछ एलिवेटेड सड़क भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा जिन जगहों पर बाईपास बनेगा उनमें NH पर 31 जगह, स्टेट हाईवे पर 33 जगह पर और जिलों की मुख्य सड़कों पर 56 जगह पर बाईपास बनाए जाएंगे। इन बाईपास के बन जाने से शहरों और कस्बों से गुजरने वाले रास्तों में जाम की समस्या से निजात मिल सकेगा। आपको बता दें कि इस बजट में 708 किलोमीटर लंबी सड़क योजना पर प्रावधान लाए गए हैं। इस योजना पर 4,154 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जदयू का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हुआ खत्म। जनता दल यूनाइटेड द्वारा पार्टी की मजबूती के लिए 3 दिनों के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जो बीते दिन सोमवार को कार्यक्रम के साथ संपन्न हो गया। इस दौरान जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह ने जिला प्रवक्ताओं को पार्टी की विचारधारा और अपने नेता के काम को पूरी मजबूती और धारदार तरीके से जनता के बीच रखने की बात कही। वहीं इस दौरान मुख्य रूप से छात्र और युवा नेताओं को निर्देश देते हुए कहा गया कि समय समय पर विश्वविद्यालयों में सेमिनार का आयोजन कर नीतीश सरकार के विकास कार्यों का प्रचार करें और रोजगार व स्वरोजगार के लिए हो रहे कामों के बारे में युवाओं को विस्तार से बताएं। इसके अलावा प्रशिक्षण में आई महिला नेताओं को महिलाओं के बीच जाकर उनके उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं को बताने की जिम्मेदारी दी गई। 24 मार्च को विधानसभा के सामने किसान सभा का होगा आंदोलन। कृषि आंदोलन के समर्थन में 4 सूत्री मांगों को लेकर बिहार के किसान आंदोलन के मूड में हैं। इसके तहत 24 मार्च को बिहार राज्य किसान सभा के किसान विधानसभा का घेराव करेंगे। इसके तहत सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में किसान जागरण यात्रा भी चलाई जाएगी, जो गांव गांव जाकर किसानों को जागरूक करेगी। यह किसान जागरण यात्रा 11 मार्च से 17 मार्च तक चलाई जाएगी। वहीं कल विधानसभा के सामने कृषि बिल के विरोध में 4 सूत्री मांग पर आंदोलन किया जाएगा, जिसके तहत बिल वापस लेने, MSP पर खरीद की कानूनी गारंटी देने, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने और किसानों के ऋण माफ करने की मांग की जाएगी। अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के अपडेट के अनुसार इन दिनों मौसम लगातार शुष्क बना हुआ है। दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, मगर रात के समय में मामूली गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं मौसम विभाग के न्यूमेरिकल मॉडल से मिली जानकारी के मुताबिक आने वाले अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मौसम की यह स्थिति बरकरार रहने वाली है। दिन शुष्क और हल्का गर्म रहेगा, वहीं रात के तापमान में मामूली गिरावट होने की संभावना है। बीते दिन मधुबनी जिले के सबसे कम तापमान आंका गया, वहीं अधिकतम तापमान फारबिसगंज में दर्ज किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि समुद्र तल से करीब 6 किलोमीटर ऊपर ट्रफ के रूप में एक पश्चिमी विक्षोभ गुजर रहा है। तेजस्वी यादव पर ग्रामीण कार्य मंत्री श्रवण कुमार का जुबानी हमला। इन दिनों विपक्षी नेता तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार तंज करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके तहत अब नीतीश सरकार के कई मंत्री भी विपक्षी दलों पर पलटवार कर रहे हैं। इसके तहत ग्रामीण कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने तेजस्वी यादव पर जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जिस शब्द का उपयोग मुख्यमंत्री के लिए करते हैं वो कहीं से भी उचित नहीं है। उन्हें बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है। उनके द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार होते हैं। उनके शब्द मर्यादा को तार तार करने वाले होते हैं। उन्होंने आज तक किसी को सम्मान देना सीखा ही नहीं है, इसलिए मेरी समझ से उन्हें संसदीय लोकतंत्र के बारे में बहुत कुछ जानने की जरूरत है। कानून व्यवस्था को लेकर अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने किया औचक निरीक्षण। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा सदन के NXC परिषद में औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। इस दौरान बजट के 3रे दिन विधायकों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए कर्मचारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। वहीं उनके अचानक पहुंचने की सूचना मिलते ही कर्मचारी कार्यालय की तरफ भागते हुए नजर आए। इस दौरान सभी कमरों की जांच की गई, साथ ही कर्मचारियों की उपस्थिति की भी जानकारी ली गई। इंग्लैंड टीम के इस गेंदबाज ने सीरीज जीतने के लिए बताई ये नुस्खे। भारत इंग्लैंड टीम के बीच अगला मैच बुधवार से मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा। इस दौरान इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर इस मैच में वापसी करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मोटेरा स्टेडियम में भारत के खिलाफ शुरू हो रहे डे नाइट का टेस्ट जीत लेती है तो चौथा और आखिरी टेस्ट उनके कंट्रोल में होगा। खिलाड़ी आर्चर ने माना कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जगह बनाने के लिए यह सीरीज जीतना काफी अहम है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 3रे टेस्ट जीतने के बाद चौथा टेस्ट करा सकते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल ये मैच 1-1 से बराबरी पर है। वहीं अगर इस 3रे मैच में भारतीय टीम जीत दर्ज कर लेती है तो उसके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद उसे 4थे मैच में बस मैच को ड्रॉ कराने की जरूरत होगी। बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन अपनी अपकमिंग फिल्म 10वीं की शूटिंग में लग गए हैं। इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर यामी गौतम और निमरत कौर साथ में नजर आने वाले हैं। अभिषेक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म के 3 अलग अलग पोस्टर को शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपना लुक शेयर करने के
साथ ही इन दोनों एक्ट्रेस के लुक को भी शेयर किया है। इस पोस्टर के मुताबिक फिल्म में यामी गौतम एक आईपीएस अफसर का किरदार निभाती नजर आ रही है, वहीं निमरत कौर देसी लुक में दिख रही है। वहीं अभिषेक बच्चन फिल्म में गंगा राम चौधरी नाम के एक व्यक्ति का किरदार निभाने वाले हैं। इस फिल्म का निर्देशन तुषार जलोटा कर रहे हैं, बतौर निर्देशक उनकी यह पहली फिल्म है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार आपको बिहार के पर्यटन स्थानों में कौन कौन सी जगह बहुत भाती है। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़ी खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।